छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक जवानों ने 10 नक्सली मार गिराए हैं। लावा पुरनगेल के जंगलों में यह मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी दंतेवाड़ा सीआरपीएफ जवानों ने संयुक्त रूप से यह अभियान शुरू किया है। नक्सलियों के पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के कंपनी नंबर 2 के साथ मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह से ही यहां बड़ी भीषण मुठभेड़ होने की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है। पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की वहां जमावड़े की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। सुबह से लगातार पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक मिली सूचना के मुताबिक एसएलआर 303, 315 बोर, 12 बोर के हथियार मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान मिले हैं। हमें आज सूचना मिली थी कि पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरभा डिवीजन के कुछ नक्सली कंपनी नंबर 2 जो गंगलूर एरिया कमेटी बीजापुर में सक्रिय है, लगभग 35 से 40 के आसपास के नक्सली की संख्या की उपस्थिति की आज सूचना मिली थी। ये जो एरिया है वो बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है। थाना किरंदुल अंतर्गत लावा पुरंगेल एंड्री की जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ हुआ है। मॉर्निंग में इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से डीआरजी बस्तर पेट्रोल दंतेवाड़ा की टीम एवं सीआरपीएफ 111 और 230 की यंग प्लाटून की ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। मुठभेड़ लगभग मॉर्निंग सुबह से ही 6:30 बजे से शुरू है और रुक रुक कर अभी तक चल रही है। इसमें पूरी संभावना है कि हमें नक्सली का शव भी बरामद होगा और उनका कैंप मिला है, उसको ध्वस्त किया गया है और बाकी अभी मुठभेड़ जारी है। तो एक बार टीम से संपर्क होगा तो विस्तृत से जानकारी दे। यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन के जो बड़े कैडर हैं उनकी उपस्थिति की आसूचना थी। एचएचसी रैंक, डीवीसी रैंक कंपनी जैसे है, जो पीएलजी की मिलिट्री कंपनी नंबर 2 है, तो उनकी उपस्थिति की आसूचना थी। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह 10:30 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग के दौरान 9 वर्दीधारी माओवादी के डेड बॉडी साथ साथ एसएलआर 303 एवं काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और नक्सल का दैनिक उपयोग सामग्री और कैंप सामग्री बरामद किए गए थे। अब तक कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और संपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2024 में मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है। खासतौर पर अंदरूनी सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन संचालित करने के परिणाम स्वरूप विगत 2.5-3 महीने में 35 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और उतना बड़ी संख्या में माओवादियों के गिरफ्तार भी किए गए थे। और माओवादियों के ऊपर बढ़ते दावों को देखते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर रहा है। पूर्व में भी नक्सलवादी अभियान मानसून की अवधि में संचालित की गई थी, लेकिन वर्ष 2024 में इसको और बेहतर रणनीति के साथ क्रियान्वयन करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा सफलता सकारात्मक परिणाम हमें देखने के लिए भी मिला है।